पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समय काल को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से 3 युग बीत चुके हैं और चौथा युग कलयुग वर्तमान में चल रहा है। संसार में रहने वाले इंसानों के लिए कलयुग सबसे ही खतरनाक युग है। इस युग में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है और होने वाली हैं, जिससे यहाँ रहने वाले इंसानों की जिंदगी काफी मुश्किल होगी। कलयुग का समय काल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंसानों के ऊपर उसका प्रकोप भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में खाने के लाले पड़ जाएंगे और इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा। ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो फिर कोई इंसान खुद की सुरक्षा कैसे करेगा? दोस्तों, ग्रंथों में कलयुग के बारे में तो बताया ही गया है, इसके साथ यह भी बताया गया है कि इस युग में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं कलयुग के बारे में वह सारी बातें जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कलयुग के बारे में बात करने से पहले इसे संक्षेप में पहले 3 युगों के बारे में हम जानते हैं। संसार का सबसे पहला युग है सतयुग। इस युग में संसार स्वर्ग सम्मान था। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% था। प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक हुआ करती थी। इस युग में रहने वाले सभी मनुष्य धर्म का पालन किया करते थे। संसार में चारों ओर सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी और समृद्धि भी थी। सतयुग का समय काल 1,77,28,000 वर्ष का था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस युग के आरंभ के साथ ही पाप की भी शुरुआत हो गई। इस युग में पुण्य की मात्रा 100% से घटकर 2% ही हो गई और पाप की मात्रा 0% से बढ़कर 25% तक हो गई। इस युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई भी 9 फीट घटकर 21 फीट ही रह गई। कुछ मनुष्य और राक्षस धर्म के रास्ते से हटकर पाप के रास्ते पर चलने लगे। मनुष्य में लोभ पैदा होने लगा। संसारिक मोहमाया में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और धार्मिक रास्ते से वे लोग दूर रहने लगे। हालांकि तब भी ऐसे लोग काफी कम हुआ करते थे। त्रेता युग का समय भी 12,96,000 वर्षों का था। लेकिन त्रेता युग के बाद जब द्वापर का युग आया और जब द्वापर युग की शुरुआत हुई, तब मनुष्यों की स्थिति और दयनीय होती चली गई। संसार में पाप बढ़ता गया और पुण्य कम होता गया। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% रह गई। यानी संसार के आधे लोग धर्मी हो गए। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर थे। मनुष्य की लंबाई 11 फीट रह गई। द्वापर युग का समय काल 8,64,000 वर्षों का था। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग वही युग है जो वर्तमान में चल रहा है। इस युग में मनुष्य की लंबाई घटकर 5 फुट 5 इंच रह गई है। द्वापर में धर्म के जो 2 पैर हुआ करते थे, वह भी समाप्त हो चुके हैं और धर्म इस युग में पंगु बन गया है। चारों युगों में कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसमें पाप की मात्रा पुण्य से कहीं ज्यादा अधिक है। इस युग में पुण्य की मात्रा 25% और पाप की मात्रा 75% है। यानी संसार के अधिकतर लोग अधर्मी ही हो चुके हैं। संसार के बाकी सारे युग बीत चुके हैं, लेकिन कलयुग अभी भी चल रहा है। ऐसे में प्रश्न यह है कि कलयुग प्रारंभ कब हुआ था और इसका अंत कब होगा? आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ है, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0° पर हो गए थे। वर्तमान में 2024 चल रहा है और जब हम 3102 ईसा पूर्व और 2024 को जोड़ते हैं तो टोटल 5126 वर्ष बनते हैं। इस हिसाब से देखें तो कलयुग का मात्र 5126 वर्ष ही बीता है। पुराणों में कलयुग का समय काल 43,02,000 वर्ष बताया गया है। कलयुग के इस टोटल समय काल में से जो समय बीत चुका है उसे घटा दे तो कलयुग अभी भी 42,68,074 वर्ष बचा हुआ है। कलयुग के कुल वर्षों को देखें तो अभी कलयुग अपने प्रारंभिक अवस्था में ही है, पर हैरानी की बात यह है कि कलयुग की जो निशानियां बताई गई है वह अभी से नजर आने लगी है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने शब्दों में कलयुग का वर्णन किया था, तो आइए जानते हैं उन्हीं से कलयुग के बारे में। कलयुग में क्या होगा,
श्री कृष्ण बताते हैं, सबसे पहले इस युग में शासन करने वाले राजाओं के बारे में बताया था। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो बोलते कुछ होंगे और करते कुछ होंगे। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। इस युग के शासक हर चीज में सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचेंगे। इस युग में ऐसे ज्ञानी लोग भी होंगे जिनका ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए होगा। उनका स्वयं का कर्म अज्ञानी राक्षसों जैसा होगा, लेकिन दूसरे लोगों के सामने साधु संत बनते फिरते रहेंगे। इस युग में जो बड़े विद्वान पंडित कहलाएंगे, वह भी सत्ता और संपत्ति के लालच में डूबे रहेंगे। कलयुग में रहने वाले आम जनमानस इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि वह हर एक चीज में लाभ और हानि देखेंगे। यहाँ तक कि माता पिता भी लाभ की अपेक्षा में ही अपने बच्चों की परवरिश करेंगे और बच्चे भी अपने माता पिता की सेवा लाभ देखकर ही करेंगे। दुनिया दिखावे की हो जाएगी। दिखावे में तो यह लोग लाखों खर्च करेंगे, लेकिन अगर उनका स्वयं का पड़ोसी भी भूखा मर जाए तो उन्हें इस बात की खबर नहीं। कलयुग में मनुष्य को अपनी थोड़ी सी धन संपत्ति पर भी बहुत ही ज्यादा घमंड होगा। लोग रिश्तों का धर्म भूल जाएंगे। लोगों के रिश्तों का आधार केवल धन संपत्ति और सुंदरता ही रह जाएगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी बनेंगे। ब्रह्मचारी कहलाने वाले लोग भी वेदों में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन किए बिना ही वेद अध्यापन करेंगे। सन्यासी लोगों के मन में भी सांसारिक मोहमाया खत्म नहीं होगा। उनके अंदर धन संपत्ति और सत्ता की लालच बनी रहेगी और वह भी अलग अलग रिश्तों के प्रेम में बने रहेंगे। कुछ लोग पाखंड का सहारा लेते हुए धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया करेंगे। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि धर्म कम हो जाएगा और पाखंड अधिक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में वह समय आएगा कि धर्म के ऊपर पाखंड हावी हो जाएगा, तब घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। घोर कलयुग के प्रारंभ होते ही मनुष्य की औसत आयु कम होती जाएगी। मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 साल रह जाएगी। 5 से 10 वर्ष की उम्र में ही इनकी संतानें होने लगेगी। 15 वर्ष की उम्र में वह बूढ़े होते चले जाएंगे और 20 वर्ष तक की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लोगों की बुद्धि कम होती जाएगी और उनके ऊपर लालच पूरी तरह से हावी होने लगेगा। पाखंड इतना ज्यादा फैल जाएगा कि लोग पाखंड को ही धर्म का नाम देने लगेंगे। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा जिसका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं होगा। लोग इसे ही धर्म मानेंगे और इसी का पालन करेंगे। कलयुग जब अंत की ओर बढ़ रहा होगा, तब संसार में भयंकर युद्ध होगा। सभी देश आपस में युद्ध में उलझ जाएंगे। युद्ध की वजह से दुनिया की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे। ईमानदारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। किसी की खेत का फसल कोई और काट ले जाएगा। लोग एक दूसरे के कपड़े, खाने पीने के सामान, पीने का पानी इत्यादि सब कुछ चुरा लेंगे। संसार में अपराध इतना बढ़ जाएगा कि अपराधी को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। अंततः अपराध करने के लिए अपराधी समूह एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हत्यारे ही एक दूसरे की हत्या करेंगे। चोरों से ही चोरों का नाश होगा और झूठ और बेईमान लोगों का सामना भी झूठ और बेईमान लोगों से ही होगा। कलयुग के अंत में इंसानों की लंबाई घटकर 2 से 3 फीट तक रह जाएगी। संसार के सभी मनुष्य बौने बनकर रहेंगे। मनुष्यों का पूरा जीवन रोगों से भरा होगा। जब कलयुग अपनी समाप्ति की ओर होगा, तब दुनिया में अकाल पड़ेगा। बारिश बंद हो जाएगी। सभी पेड़ों और पूरी तरह से पौधों का नाश हो जाएगा। खाने के लिए कोई अन्न नहीं बचेगा। लोगों को सिर्फ मांस मछली खाकर अपना गुजारा करना होगा। गाय और भैंस समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बचेंगे तो उनका आकार बकरियों जैसा होगा। बचे हुए मनुष्य भेड़ और बकरियों का दूध पीकर अपना गुजारा किया करेंगे। इस स्थिति में संसार के सभी मनुष्य पूरी तरह से स्वार्थी हो जाएंगे। जैसे जानवर केवल अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही हाल मनुष्यों का होने वाला है। जानवरों की तरह भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकने लगेंगे। इस स्थिति में धर्म का पालन करने वाले बस गिने चुने ही लोग बचेंगे। इस घोर कलयुग में कोई मनुष्य अपने आप को तभी बचा सकता है जब वह वेदों की ओर लौट आएगा। शास्त्रों के अनुसार वह अपना जीवन यापन करेगा और हरि कीर्तन करेगा। घोर कलयुग में ऐसे मनुष्यों की संख्या बस कुछ ही होगी और यही वह थोड़े से मनुष्य होंगे जो कलयुग के प्रकोप से सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।